हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन होम्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 फीट बाई 30 फीट की एक हाउस डिज़ाइन, जिसकी स्क्वायर फीट बनेगी 420 स्क्वायर फीट। और इसे हम गज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी 46 गज। दोस्तों, ये जी प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाने में आपको अप्रॉक्स 8 to 9 lakhs लग जाएगी। और दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर, इन्हीं की रिक्वेस्ट से हमने इस हाउस को डिज़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं नए हाउस प्लान, हाउस डिज़ाइन लाते रहता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगी। हो सकता है कभी ना कभी आप घर बनाओगे जो आपको एक अच्छी हाउस प्लान, हाउस डिज़ाइन की दरकार पड़ेगी, जो इस चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का टॉप व्यू, इसे अच्छा से समझ लें, देख लें। और ये है फर्स्ट फ्लोर का टॉप व्यू। तो ये इस हाउस का प्लान, इसे पॉज करके अच्छे से समझ ले, डाउनलोड करना है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब घर के अंदर इंटर करते हैं और घर का अंदर का इंटीरियर भी देखते हैं कि किस तरह से हमने घर के अंदर को डिज़ाइन किया है। सामने से गेट से हम जब इंटर करेंगे हमें तीन स्टेप मिल जाएगी। तीन स्टेप चढ़ने के बाद हमें मिल जाती है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप 4 seater डाइनिंग टेबल का सेटअप कर सकते हैं। और इंटर करते हैं दोस्तों, आपको स्टेयर मिल जाएगी जो आपको फर्स्ट फ्लोर और छत पे ले जाएगी। और थोड़ी स्पेस मिल जाती है, चाहे तो आप इसमें एक बाइक भी पार्क कर सकते हैं इंटर करने के बाद। इस तरफ दोस्तों आपको एक किचन मिल जाती है जिसकी साइज है 7 feet by 6 feet वेंटिलेशन के लिए। रोड साइड पर आपको विंडो मिल जाएगी। और अब मैंने किचन पे सारी फैसिलिटी रखी है जो किचन पे होनी चाहिए। तो अब किचन से हम लोग चलते हैं बाहर, फिर हम लोग आ गए डाइनिंग एरिया पे। और ये जो सामने वाला डोर आपको नज़र आ रही है, ये है कॉमन बाथ एंड टॉयलेट की, जिसकी साइज है 4 feet by 7 feet वेंटिलेशन के लिए। आपको 2 feet by 2 feet का एक विंडो भी मिलती है। इस बाथरूम पे आपको दोनों चीज़ मिल जाती है, शावर भी और WC भी। अब इस बाथ एंड टॉयलेट से निकलते हैं बाहर और ये सामने वाला डोर से हम लोग चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो कुछ इस तरह से आप वॉल बेसिन का भी सेटअप कर सकते हैं ये सामने वाला वॉल पे। ये है दोस्तों बेडरूम, जिसकी साइज है 13 feet by 10 feet। दोस्तों, बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो भी डिज़ाइन करी है, देख सकते हैं। बेड और वार्डरोब रखने के बाद भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है इस बेडरूम में, क्योंकि अच्छी साइज की बेडरूम आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल जाता है एक बेडरूम, एक कॉमन बाथ एंड टॉयलेट, डाइनिंग स्पेस, किचन और स्टेयर एरिया। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर की जो दोस्तों पैर रखने वाली हमने रखी है 10 inches की और हाइट रखी है 6 inches की। और सेफ्टी के लिए हमने रेलिंग का भी इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। तो फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों हमने डिज़ाइन करी है एक हॉल। इंटर करते ही आपको हॉल मिल जाता है जिसकी साइज है 13 feet by 6 feet। ठीक है, कुछ इस तरह से आप सोफा का सेटअप कर सकते हैं। मैंने 2 seater सोफा का सेटअप किया है। और ये जो डोर देख रहे हैं सेम एज इट इज़ ग्राउंड फ्लोर का, जैसे आपको एक बेडरूम मिलता है, कॉमन बाथ एंड टॉयलेट मिलता है। और ये सामने वाला डोर आपको मिल जाती है एक किड्स रूम, जिसकी साइज है 6 feet by 7 feet। ये आपको किड्स रूम मिल जाती है दोस्तों। वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है जो बालकोनी के साइड ओपन होगी। तो आपको ये किड्स रूम का डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये डोर से हम लोग चलेंगे बालकोनी की तरफ, जिसकी साइज है 6 feet by 4 feet की आपको बालकोनी मिल जाती है। तो दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलता है एक बेडरूम, कॉमन बाथ एंड टॉयलेट, हॉल, किड्स रूम और बालकोनी और स्टेयर एरिया। चलिए आप चलते हैं छत की तरफ। तो दोस्तों, छत पे आपको ओपन स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर आप इजीली कपड़ा वगैरह धो के सुखा सकते हैं, अपना फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के गपशप कर सकते हैं। ये एम्प्टी रूम, इसी से हम लोग इस छत पर आएंगे। तो ओवरव्यू लुक आपको कैसा लगे 14 feet by 30 feet की, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।